इंडियन न्यूज 24 आवर। बजट 2018 आम आदमी को जेटली से हैं ये उम्मीदें, जानिए आगामी बजट में सरकार 5 लाख से 10 लाख रुपए वाली इनकम के लिए टैक्स दरों में 10% की कटौती कर सकती है। नई दिल्ली पीटीआई। आम बजट 2,01,819 में टैक्स दरों में बड़ी रियायत की अपेक्षा की जा सकती है। साथ ही यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट है। वित्त मंत्रालय निजी कर छूट की सीमा को बढ़ाने और टैक्स स्लैब में बदलाव करने पर चिंतन कर रहा है, यह जानकारी सूत्रों से मिली है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के पास जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें मौजूदा 2.5 लाख रुपए के कर छूट दे को 5 लाख न सही पर कम से कम 3 लाख रुपए सालाना करने की मांग की गई है। इसके अलावा खुदरा महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार मिडिल इनकम ग्रुप खासकर नौकरी पेशा को ध्यान में रखकर टैक्स स्लैब में बारे में विचार कर रहा है। आम बजट 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन छोटे करदाताओं को मामूली राहत देते हुए 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय वाले इंडिविजुअल के लिए कर दरें 10% से घटाकर 5% कर दी थी। जानकारी के लिए बता दें वित्त वर्ष 2,01,819 के लिए आम बजट 1 फरवरी 2018 को पेश किया जाएगा। इसके लिए 29 जनवरी से ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी, जो कि दो चरणों में चलेगा। पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 5 मार्च से 6 अप्रैल 2018 तक चलेगा। इकोनॉमिक सर्वे 29 जनवरी को पेश किया जाएगा। आगामी बजट में सरकार 5 लाख से 10 लाख रुपए वाली इनकम के लिए टैक्स दरों में 10% की कटौती कर सकती है। वहीं 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 20 लाख से ऊपर की सालाना इनकम पर 30% टैक्स लगाया जा सकता है। मौजूदा समय में 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों के लिए कोई टैक्स स्लैब नहीं है। सुरभि जैन मोबाइल पर भी अपनी पसंदीदा खबरें और मैच के लाइव स्कोर पाने के लिए जाएं n.jagreen.com पर।